मारा नदी के खतरनाक पानी से बचकर इन हरे भरे इलाकों में आना इन जानवरों के लिए पुनर्जन्म से कम नहीं है। घास पौष्टिक है और उसे खाकर इनका तनाव अब कम हो रहा है। भयानक यादों को फिलहाल के लिए भुला दिया जाएगा। एक ज़ेब्रा फूल का अभी जन्म हुआ है। अभी वो उसका जीवन खतरों से भरा होता है, लेकिन उन्हें कोमलता भरे पल भी प्राप्त होते हैं। नदी को पार करने वाली पहली ज़ेब्रा यही थी। शायद ये अच्छे से जानती थी कि इसका यहाँ सुरक्षित पहुँचना कितना जरूरी है। इस नन्हे ज़ेब्रा के लिए इसकी माँ ही पूरी दुनिया है। वो इसे सिखाएगी कि झुंड में कैसे शामिल होना है। सफर के नए साथियों की आवाज और महक के बीच इस नवजात ने अपने पहले कदम उठा लिए हैं। हवाओं में शोर और महक से खाने के आने की खबर मिल चुकी है। एक चलते फिरते सुपरमार्केट की तरह ये झुंड दो मादा चीता के क्षेत्र में आ पहुंचा है। वो बहने हैं, हमेशा साथ रहती हैं और वो भूखी हैं। अपनी तेज नजरों की बदौलत ये बहने बगैर किसी को आगाह किए इस झुंड को देख और परख रही हैं। आसान शिकार की तलाश में है, शायद ऐसा जो शारीरिक रूप से कमजोर हो। गजल का शिकार करना आसान होता है अगर वो घायल हो। कभी कभार वो साथ मिलकर शिकार करती हैं और कभी कभी बारी बारी। आज इन दोनों में से जो तेज है उस बहन की बारी है। सबसे कमजोर का शिकार कर सबसे ताकतवर प्रजाति जीवित रहती है। और ऐसे ही बेस्ट जीन्स अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। शिकार के दौरान चीते की ताकत बहुत ज्यादा खर्च होती है। खाते हुए दोनों बहनें ध्यान रखती हैं कि उनके पंजे गंदे ना हो जाएं। खून से सने पंजों के निशान एक शेर या हाइना को उनकी कड़ी मेहनत से कमाए गए शिकार तक खींच लाएंगे। चीते केवल एक ही काम में माहिर हैं, पीछा करना। एक बड़े शिकारी का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं।
माइग्रेंट हर्बीवोर्स प्रतिदिन किसी अपने को गंवाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति इकोसिस्टम को दुरुस्त रखती है। कुछ ही दूरी पर शेर एक ज़ेब्रा को खा रहे हैं। ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स के बावजूद शेर उसका शिकार कर लेता है। प्रवासी झुंड अपने पीछे मौत के निशान छोड़ जाते हैं और शिकारियों के लिए भोजन। पास ही में कुछ हाइनास अपना खाना खत्म कर रहे हैं। उनका भोजन है एक वाइल्ड बीस्ट। लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि हाइनास सिर्फ सड़ती हुई लाशें ही खाते हैं। असल में वो कुशल शिकारी है और इस वाइल्ड बीस्ट की लाश उसका सबूत है। लेकिन प्रेडेटर्स का जीवन आसान है, ऐसा किसने कहा? शेरों को हमलों के दौरान आराम भी करना पड़ता है, चाहे वो भोजन प्राप्त करने निकले हों या अपनी ही प्रजाति में संघर्ष से जूझ रहे हों। एक शेर को बुखार होने पर एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ नहीं मिलती। एक घाव भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शेर समूह में रहते हैं। परिवार में संतुलन बनाए रखने के लिए माओ और बच्चों के बीच अच्छे संबंध होना जरूरी है। नर शेरनी और शावकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। सेरेंगेटी इकोसिस्टम में वयस्क शेरों को किसी भी शिकारी से कोई खतरा नहीं। सभी जानते हैं कि शेर यहाँ के राजा हैं। लेकिन शेरों की संख्या कम है और जिंदा रहने के लिए वो हर्बीवोर्स पर निर्भर हैं। आक्रामकता और हिंसा से भरी इस दुनिया में कम उम्र में मारे जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। जहाँ शेर होंगे वहाँ हाइनास भी होंगे। ये दो प्रजातियाँ निरंतर विवाद में रहती हैं। हाइना शावक भी बहुत कमजोर होते हैं।
हालांकि ये शावक अपने माता पिता के संरक्षण में रह रहे हैं, जिनके लिए जीवन की जीत छुपी है अपने बच्चों को बड़ा और ताकतवर होते देखने में। दूसरी तरफ इस मादा टोपी की परेशानी कुछ और ही है। वो नहीं चाहती उसके बच्चे औरों का खाना बने। हर प्रजाति की अपनी परेशानियां हैं। सेरेंगेटी में सभी जीवित चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे मिलता है सही संतुलन, जिसके तहत सभी यहाँ इकोसिस्टम को कुछ देते हैं और इसी इकोसिस्टम से कुछ पाते हैं।